ऑल राइट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडियाटेक की तरफ से लॉन्च किए गए दो नए 5G प्रोसेसर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X ऑफिशियली लॉन्च कर दिए गए हैं। ये जो दोनों चिपसेट है, लगभग सारे स्पेसिफिकेशंस दोनों चिपसेट के एक जैसे हैं, बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं इन्हीं दोनों चिपसेट से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्या स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, कितने पावरफुल चिपसेट्स हैं एंड कौन से स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं, सारी चीज डिस्कस करते हैं। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि एंड ऑफ द वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड गाइस ऐसे ही कॉन्टेंट में अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में, स्टार्ट करते हैं फैब्रिकेशन प्रोसेस से। दोनों ही जो प्रोसेसर हैं TSMC के बनाए हुए 4 नैनोमीटर नोड पर बने हुए हैं, मतलब दोनों प्रोसेसर में आपको एनर्जी एफिशिएंसी बढ़िया मिलने वाली है, हीटिंग का इशू आपको बहुत कम मिलेगा और थर्मल मैनेजमेंट दोनों फोन्स का बढ़िया रहेगा। तो फैब्रिकेशन प्रोसेस अच्छी यूज की गई है। साथ ही में CPU की अगर बात करें तो दोनों प्रोसेसर में 64-bit का ऑक्टाकोर CPU आपको दिया गया है, तो टास्क डिस्ट्रीब्यूशन और मल्टीटास्किंग के लिए आपको 8-8 कोर्स मिल जाते हैं। साथ ही में 8 कोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो 4+4 की बिगलिटिल अप्रोच में किया गया है, मतलब 4 यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं, 4 आपको एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं एंड ARM V8 आर्किटेक्चर यहाँ पर यूज किया गया है। सो ओवरऑल अगर CPU आर्किटेक्चर की बात करें तो अच्छा आर्किटेक्चर आपको मिलता है। डिटेल में अगर CPU की बात करें तो 4 यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं, जहाँ पर आपको मिलता है ARM Cortex A78 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 2.5 GHz की एंड 4 यहाँ पर आपको एफिशिएंसी कोर्स दिए गए हैं, जहाँ पर आपको मिलता है ARM Cortex A55 CPU, क्लॉक स्पीड यहाँ पर आपको मिलती है 2.0 GHz की। हालांकि पुराना आर्किटेक्चर यूज किया गया है, थोड़े से पुराने कोर्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, लेकिन नंबर ऑफ परफॉर्मेंस कोर्स यहाँ पर आपको 4 मिलते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी एंड गेमिंग वगैरह में भी आपको परफॉर्मेंस बढ़िया मिलने वाली है। तो CPU आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है। GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको ARM की तरफ से आने वाला ARM Mali G615 MC2 GPU मिलता है, जो कि डुअल कोर GPU है एंड 4 नैनोमीटर पर बना हुआ GPU है। तो गेमिंग की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाएगी, गेमिंग में आपको बहुत ज्यादा शिकायत नहीं आएगी, ग्राफिक रिलेटेड परफॉर्मेंस भी ये जो GPU है आपको बढ़िया तरीके से करवा देगा। तो अच्छा GPU यहाँ पर यूज किया गया है। साथ ही साथ AI कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो MediaTek का 6th generation MediaTek APU 655 यहाँ पर दिया गया है, तो AI की कैपेबिलिटीज भी इस प्रोसेसर के साथ में आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। RAM सपोर्ट की अगर बात करें तो 2-in-1 LPDDR4 एंड LPDDR5 दोनों प्रकार की RAM का आपको सपोर्ट मिलता है। अगर LPDDR5X RAM यूज किया जाता है तो 3200 MHz की आपको RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है एंड LPDDR4X RAM के साथ में आपको 2133 MHz की RAM फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो RAM सपोर्ट आपको डिसेंट दिया गया है, 16 GB तक की आपको RAM इन प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल सकती है। सो मेरे हिसाब से RAM सपोर्ट डिसेंट दिया गया है। जिस प्राइस सेगमेंट में ये फोन आएंगे, LPDDR5 RAM अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। तो मेरे हिसाब से RAM सपोर्ट डिसेंट है। स्टोरेज सपोर्ट की अगर बात करेंगे तो UFS 2.1 से लगा करके UFS 3.1 तक का सपोर्ट आपको मिलता है। दोनों ही प्रोसेसर में आपको UFS 4.0 का सपोर्ट नहीं दिया गया है। UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 एंड UFS 3.1 4 प्रकार की स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है। तो स्टोरेज वाइज भी डिसेंट प्रोसेसर्स है। इसके बाद में कैमरा सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Imagic 950 ISP दिया गया है, जो कि एक 12-bit का ISP है एंड डुअल ISP है, मतलब दो कैमरास की स्ट्रीम को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 32+32 megapixels का डुअल कैमरा सेटअप यहाँ पर आपको मिल सकता है, या फिर 200 megapixels तक का आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है 0 shutter delay के सपोर्ट के साथ में। तो कैमरा सपोर्ट यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है, 4K रिकॉर्डिंग, HDR कैपेबिलिटी, सारी चीजें आपको मिलती है। तो ISP यहाँ पर आपको डिसेंट दिया गया है। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो मैक्सिमम 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट आपको मिलता है, 4K वीडियो 30 FPS पर, 1080 pixels वाले फुल HD+ वीडियो अप टू 120 FPS एंड 720 pixels वाले HD+ वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 480 FPS तक। वीडियो कैप्चर रेजोल्यूशन भी आपको डिसेंट मिल जाता है। बात करेंगे डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में तो दोनों ही प्रोसेसर के साथ में आपको मैक्सिमम ऑन डिवाइस फुल HD+ डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है। अगर फुल HD+ डिस्प्ले यूज किया जाता है, जहां पर आपको 2520x1080 pixels का रेजोल्यूशन मिलता है, तो वहां पर आपको 144 Hz का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल सकता है।
वहीं पर अगर वाइड फुल HD प्लस डिस्प्ले यूज किया जाता है, WFHD प्लस डिस्प्ले यूज किया जाता है, तो वहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। ओवरऑल डिस्प्ले कैपेबिलिटीज अच्छी दी गई है। जो डिफरेंस आपको दोनों प्रोसेसर में मिलता है वो डिस्प्ले कैपेबिलिटीज में ही देखने को मिलता है, जहां पर डायमेंसिटी 7300 के साथ में आपको डुअल डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन डायमेंसिटी 7300X में आपको डुअल डिस्प्ले का सपोर्ट डेफिनेटली देखने के लिए मिलता है। मतलब जो फ्लिप फोन्स होते हैं, जो फोल्ड वाले फोन होते हैं जिनमें दो दो डिस्प्ले होते हैं, उसकी कैपेबिलिटीज यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो ये काफी अच्छी बात है। मीरा विजन का आपको सपोर्ट मिल जाता है, डिस्प्ले पर HDR कैपेबिलिटीज आपको मिल जाती है, सो ओवरऑल डिस्प्ले सपोर्ट आपको बढ़िया दिया गया है। इसके बाद में बात करेंगे नेटवर्क मॉडेम की, तो इंटीग्रेटेड 5G मॉडेम यहाँ पर आपको दिया गया है। डाउनलोड स्पीड आपको मिलती है 3.27 GBPS के आसपास की, एंड अपलोड स्पीड आपको मिलती है 1.2 GBPS के आसपास की। तो नेटवर्क मॉडेम भी आपको डिसेंट मिल जाता है, नेटवर्क मॉडेम में भी आपको शिकायत नहीं आएगी, अच्छी खासी अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड आपको मिल जाती है। साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ों की अगर बात करें तो वाईफाई 6E का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट दिया गया है, नेविक का सपोर्ट मिलता है बाकी सारे सैटेलाइट सिस्टम्स के साथ में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रोसेसर अच्छा है भाई, डिसेंट परफॉर्मेंस आपको दे देगा। इस प्रोसेसर के साथ में आने वाला एक नया स्मार्टफोन Geekbench पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है, एंड Geekbench के स्कोर्स अगर देखे जाए तो सिंगल कोर में स्कोर आता है 1033 पॉइंट्स, एंड मल्टी कोर में स्कोर आता है 2751 पॉइंट्स। मतलब स्कोर्स भी डिसेंट निकल के आते हैं, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस आपको बढ़िया मिल जाएगी, गेमिंग भी आपकी डिसेंट हो जाएगी, एंड बाकी सारी कैपेबिलिटीज भी आपको अच्छी मिल जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेसर है मुझे लगता है कि 20,000 से 30,000 वाले फोन्स में आना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 30,000 भी बहुत हो गया भाई, 20,000 से 25,000 वाले सेगमेंट में अगर ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे ऊपर तो भाई साहब नहीं जाना चाहिए। नाउ बात करेंगे कौन से फोन्स में आपको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेंगे, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 ये जो प्रोसेसर है आपको ओप्पो रेनो 12 5G के ग्लोबल वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। वहीं पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300X ये जो प्रोसेसर है अपकमिंग मोटो रेजर सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको फ्लिप फोन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रोसेसर अच्छे हैं एंड डिसेंट कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपको क्या लगता है ये जो प्रोसेसर है किस प्राइस सेगमेंट में आना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। साथ ही साथ इस प्रोसेसर का कंपैरिजन आप कौन से प्रोसेसर्स के साथ में देखना चाहेंगे वो भी आप कमेंट करके जरूर से बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑन वाला ऑप्शन जरूर से सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।